मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कांग्रेस के अपने भाई की बात सुनते हुए कि जिस तरह से उन्होंने आज क्रिटिसिज्म किया, सारी दुनिया में तो डंके बज रहे हैं मोदी जी के, जय जयकार हो रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, इनको सुनाई नहीं देता है। इनके काम कह रहे हो गए जो कि ये 70 वर्ष तक बहरे रहे। भ्रष्टाचारियों पे आज जो हमला हुआ है पहली बार, आपकी सरकार जो गई, 70 वर्ष से आप सरकार चला रहे थे, आपको तो इसीलिए लोगों ने रिजेक्ट किया, आप गवर्नेंस करने में असफल हो गए। कश्मीर करनी में इतना फर्क है, पंजाबी में कहते हैं सच में बोले छानी बोलती है, एक बार छेद है 12 लाख करोड़ के, वो भूल गए भ्रष्टाचार के, तो मुकदमे चल रहे हैं आपके ऊपर। पंजाब च खेतीबाड़ी संबंधी तिना ऑर्डिनेंस नू लैके जिथे हुण पंजाब च कांग्रेस श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी ते होर पार्टियां वल्लों इसका लगातार विरोध किया जा रहा है ते किसान इन्हां बिलां खिलाफ सड़कां ते उतर के लगातार इन्हां नू रद्द करन दी मांग कर रहे हैं। उत्थे ही पंजाब भाजपा के राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक ने राज्यसभा च कांग्रेस ते तंज कसिया। इस मौके उन्होंने अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम के तारीफ की, कहा कि भाजपा सरकार के समय ही भ्रिष्टाचारियों नत्थ पई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ही अगुवाई दोहे बार पूर्ण बहुमत नाल सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि इस देशव्यापी बीमारी के दौरान सारियां नू मिलके पीएम दे नाल खड़े होने की लोड़ सी, ना कि इस उपर राजनीति करन दी जरूरत सी। बिल का समर्थन करता हूं और नमन करता हूं। हम उस संस्कृति से आए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि कैसी सदी में ही कोई युग परिवर्तक जन्म लेता है। तो इस सदी के अगर कोई युग परिवर्तक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये आज सारा विश्व देख रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कांग्रेस के अपने भाई की बात सुनते हुए कि जिस तरह से उन्होंने आज क्रिटिसिज्म किया, सारी दुनिया में तो डंके बज रहे हैं मोदी जी के, जय जयकार हो रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, इनको सुनाई नहीं देता है। इनके कान बहरे हो गए क्योंकि ये 70 वर्ष तक बहरे रहे। मैं वही बता रहा हूँ कि राजनीति उन्होंने की, राजनीति उन्होंने की, उनको आज नजर नहीं आ रहा जो नए भारत का निर्माण हो रहा है। उनको उनको आज नजर नहीं आ रहा कि जो आज भ्रष्टाचारियों पे आज जो हमला हुआ है पहली बार, आपकी सरकार क्यों गई, 70 वर्ष से आप सरकार चला रहे थे, आपको इसीलिए लोगों ने रिजेक्ट किया, आप गवर्नेंस करने में असफल हो गए, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार काफी समय के बाद जो है वो दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों मिली, क्योंकि आप जिसकी बातें कथनी और करनी में इतना फर्क है। पंजाबी में कहते हैं छज ते बोले छानी बोलती है, जिधर 1000 छेद है 12 लाख करोड़ के, वो भूल गए भ्रष्टाचार के, जो मुकदमे चल रहे हैं आपके ऊपर जिसके करके जनता ने आपको किया। सो मैं आपको कहता हूँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये वैश्विक महामारी है, हमें प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए, जो एक मैसेज इस हाउस से जा रहा था। पर जैसे मेरे भाई ने भी बात की है, आज जो सुविधाएं मिली हैं, आज ये वैश्विक महामारी जब आई तो अच्छाई अपने घर से शुरू होनी चाहिए। मैं नमन करता हूँ सभी पार्टियों के सांसदों को, मंत्रीगण को भी, कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि पहले हम अपने वेतन भत्तों में कटौती करेंगे, तभी जाके जनता को प्रोत्साहित कर सकेंगे, तभी जाके जनता को प्रेरित कर सकेंगे। मैं नमन करता हूँ कि जो एनजीओज हैं, जो एनजीओज थी, जो धार्मिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी और राजनीतिक पार्टियां भी, सबको, मैं वो बात नहीं करूंगा कि ये सिर्फ राजनीति का एक भाषण करके हम चले जाए। उत्थे इस मौके श्वेत मलिक ने कहा कि इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने हर सूबे के मुख्यमंत्री नाल गलबात की, हर मुख्यमंत्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने मुख्यमंत्रियों नूं
इत्थे तक छूट दे दित्ती सी कि हर मुख मंत्री सुरक्षा हालातां नूं मद्देनजर रखदे होए केंद्र वल्लों जारी गाइडलाइन विच बदलाव भी कर सकदा है। इस मौके श्वेत मलिक ने कोविड नाल जंग दे लई सांसदां दे वेतन च 30% कटौती नूं इतिहासिक फैसला करार दिता है। मैं सब पार्टियों को इसके लिए कहूंगा कि इस वैश्विक महामारी में अपना अपना जिसने भी योगदान डाला है हम उसके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे राजनीति नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मुख्यमंत्री से बात की, हर मुख्यमंत्री का समर्थन लिया, हर मुख्यमंत्री की बात सुनी और उसके हिसाब से उन्होंने पाबंदी भी हटाई। आपने देखा काउंटडाउन में उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से गाइडलाइन है, फिर भी मुख्यमंत्री इसमें कोई बदलाव करना चाहे तो वो बदलाव कर सकते हैं। और कोविड मैनेजमेंट में आपने क्या दिया, 70 वर्ष, कहाँ थी वेंटिलेटर की फैक्ट्रियां, कहाँ थी पीपी किट्स? आपने आज तक कभी आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सोचा? ये कारण था कि प्रधानमंत्री जी को उस समय लेने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। 21 मार्च को उन्होंने जब वो जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद जब लॉकडाउन किया गया तो उसका कारण क्या था? वो कारण आप लोग थे कि आपने 70 वर्ष तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जिसका जरूरत थी। अगर उसकी आवश्यकता उस समय वो बनाया होता तो एक दिन भी लॉकडाउन ना करना पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने जनता को बचाने के लिए लॉकडाउन किया, जो संबंधित सुविधाएं थी जिसमें वेंटिलेटर चाहिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए थे, पीपी किट्स चाहिए थी, डॉक्टरों को एजुकेट करना था, बाकी स्टाफ जो है पैरामेडिकल स्टाफ को एजुकेट करना था, पुलिस को एजुकेट करना था, वो उसके लिए समय चाहिए था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो प्रबंधन किया, तो आज मैं वेतन कटौती पे ऐसा बोल रहा हूँ कि कारण क्या है कि वो जो वेतन कटौती का निर्णय है वो कोविड मैनेजमेंट के लिए है। तो मैं कोविड मैनेजमेंट पे बोल रहा हूँ कि आज जो उदाहरण हमने कोविड मैनेजमेंट के दिए है, उसके बाद जो झड़ी लग गई तो जो प्रधानमंत्री जी का रिलीफ फंड भी है वो सारा ट्रांसपेरेंट है। वो इनको नजर नहीं आता है कि वो फंड जो है वो कोविड मैनेजमेंट में सारा फंड यूज हुआ। और आज जिस प्रकार से देश ने कोविड के ऊपर आज मैनेजमेंट की है कि आज विश्व में सराहा जा रहा है, विश्व में भारत में जो बेस्ट कोरोना वॉरियर अगर कोई बन के निकले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकले हैं। बेस्ट कोरोना वॉरियर का अवार्ड उनको मिलना चाहिए। तो ये चीज इनको नजर नहीं आती है। मैं विकास पे आपको आज बोलूं तो शायद सारा सदन का समय निकल जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं। कि आपको नजर नहीं आता है कि आज किस प्रकार से जनता को सुविधाएं मिली हैं, आज किस प्रकार से देश आगे गया है। और कोरोना मैनेजमेंट में भी मैं समझता हूँ विजय प्राप्त करेंगे इस महामारी पे, और सब मिलके विजय प्राप्त करेंगे। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि सरकार के साथ चले। ये ऐसा समय नहीं है कि हम राजनीति करके याद नोटबंदी को करें, हम राजनीति करना शुरू करें। कांग्रेस के और बाकी बंधुओं को मैं कहूंगा कि कोविड मैनेजमेंट में कम से कम राजनीति ना करो, इकट्ठे होके इस वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सभी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में जनता के साथ लेके इस महामारी पे विजय प्राप्त करें। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।